Can our karmic accounts be cleaned by meditation? I'm struggling from past 3-4 years but not able to meditate. Meditation को सबसे पहले तो हमने समझे ही नहीं है, है ना? लेकिन कार्मिक अकाउंट को मेडिटेशन से क्लियर किया जा सकता है? हम ऐसा कह सकते हैं कि क्लियर किया जा सकता है? लेकिन कार्मिक अकाउंट को मेडिटेशन से क्लियर किया जा सकता है? हम ऐसा कह सकते हैं कि क्लियर किया जा सकता है, लेकिन ये क्लियर करना नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि जो कुछ भी आपने कर्मास किए हैं उसका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं होता है कि आपने बैड कर्मा किया और उसके अगेंस्ट कुछ गुड कर्मा कर दिया तो बैड कर्मा न्यूट्रलाइज हो जाए। बैड कर्मा न्यूट्रलाइज नहीं, बैड कर्म का बैड रिजल्ट आएगा ही, गुड कर्म का गुड रिजल्ट आएगा, दैट इज फॉर श्योर। उसमें कोई बार्गेनिंग है ही नहीं कि यस ये हो जाए। लेकिन हाँ, जब आप गुड कर्मास करते हैं तो बैड कर्मा का जो असर होता है या उसको जो सहने की शक्ति हमारे अंदर होती है वो ज्यादा हो जाए। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए आपके ऊपर 10 लाख का कर्जा है, आपने कर्जा ले लिया है, वो 10 लाख आपको चुकाने ही है, लेकिन उस 10 लाख को चुकाने के लिए ये बैड कर्मा है, तो गुड कर्म क्या होगा, आपको 20 लाख कमाने हैं। जो ही आप 20 लाख कमा लेते हैं तो ये 10 लाख तो चुकाना ही है, ये कर्म जो आपने किया है उसको तो देना ही है। आप जो 20 लाख कमाएंगे उसमें से 10 लाख देना आसान हो जाए। अगर आप नहीं कमाएंगे, अगर ये कर्म रखेंगे, ये 10 लाख का लोन रखेंगे, तो यू विल सफर बिकॉज ऑफ दैट लोन। कर्जा हो गया, उसकी सफरिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। गुड कर्मा इज व्हाट यू हैव अर्न 20 लाख रुपीस। और जो ही आपने 20 लाख रुपए कमा लिए, अब ये कर्म तो है ही, लेकिन अब ये कर्म आपको बड़ा नहीं लगेगा क्योंकि आपके पास 20 लाख रुपए है, उसमें से 10 लाख रुपए आप चुका लेंगे, 10 लाख रुपए फिर भी आपके पास है ना। ये बहुत ही मतलब वेव, क्या कहते हैं ना, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा ही होता है। तो वो जो कर्म है उसका जो फल है उसको भोगने की जो शक्ति हमारे अंदर है या सहन करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है जब आप रेगुलरली मेडिटेट करते हैं, कोई भी साधना करते हैं। फॉर दैट मेडिटेशन इज वन पार्ट, वन टाइप ऑफ साधना। जरूरी नहीं कि एक ही तरह का मेडिटेशन करें, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू, बहुत सी अलग अलग चीजें आप कर सकते हैं। हर किसी के लिए मेडिटेशन बना भी नहीं होता। जैसे कोई कर्मयोगी है तो कर्मयोगी के लिए मेडिटेशन नहीं बना। कर्मयोगी को आप मेडिटेशन करने के लिए बोलोगे तो वो नहीं कर पाए। जो प्योर भक्ति योग से जुड़ा हुआ है उसको आप बैठ के आंख बंद करके ध्यान करने के लिए बोलो, नहीं कर पाए। लेकिन उसको भजन करने के लिए बोलो, कीर्तन करने के लिए बोलो, कर लेगा, क्योंकि भजन कीर्तन जब ये भक्ति योग के है तो वो उसके लिए आसान है। उसको ध्यान करने के लिए बोलोगे तो नहीं कर पाए। तो ज्ञान योगी होता है, जो नॉलेज चाहिए उसको आप मेडिटेशन करने के लिए बोलोगे तो वो नहीं कर पाए। वो किताबें पढ़ेगा, वो सत्संग अटेंड करेगा, वो बातें सुनेगा, वो क्वेश्चन करेगा, आंसर ढूंढेगा, तभी उसको सुकून मिलेगा। वो बैठ के ध्यान करो तो वो नहीं कर पाए। तो मेडिटेशन इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, देयर आर डिफरेंट पाथ्स। कुछ भी कीजिए लेकिन दे आर गोइंग टू अल्टीमेटली हेल्प यू इन ओवरकमिंग व्हाटएवर पास्ट कर्मास यू हैव डन। सो उसमें सहायता जरूर होगी, उसको आसान करने के तरीके आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिलता है। वो भोग के ही जाना है, उसका जो भोगने की क्षमता है वो आपकी बढ़ जाती है जब आप मेडिटेट करते हैं।